दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मालती चौहान के बारे में। वैसे मैं दोस्तों किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती, नहीं शूट करती। मालती का जब मतलब मालती इस दुनिया को छोड़ कर चली गई तब भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। आप चैनल पर जाके देख भी सकते हो। आज मेरे दिल ने मतलब कहा तो मैं उसके बारे में वीडियो शूट कर रही हूँ। ऐसे मैं यूट्यूब चला रही थी, चलाते चलाते ऐसी मालती का मतलब वीडियो आ गया था, शॉर्ट वीडियो। तो उसे देख के ना मतलब एक अजीब सी फीलिंग यहाँ दिल में, एक दर्द जो कहते हैं ना वो हुआ। उसे मालती को देख के उसके बेटे की युवराज की याद आ गई कि एक माँ के बगैर एक बच्चा कैसे इस दुनिया में रह रहा होगा। और प्यार माँ से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। आप लोग भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों। और जहाँ भी वो रह रहा है मतलब अपने मामा के पास या अपने नानी के घर, कहीं भी लगा लीजिएगा, वो प्यार उसे नहीं मिलेगा। और जो जिन लोगों ने उसके साथ किया वो अच्छा नहीं किया, चाहे उसके पति हो चाहे मतलब घर के हों। आज मालती को देख के तो याद आया कि मालती एक साल हो गया शायद इस दुनिया को छोड़ के चली गई, पर नहीं लगता दोस्तों सही में जब देखा उसे वीडियो में कि नहीं लगता कि वो इस दुनिया में नहीं है। सही बता रही हूँ, महसूस ही नहीं हुआ। और एक चीज़ की इतनी तकलीफ हुई कि मुझे वीडियो बनाने पड़ रहा है, मजबूर हो गई मैं बनाने पर। मैं नहीं बनाती किसी के बारे में, कोई कुछ नहीं बोलना पसंद मुझे। जब पता क्या बात है दोस्तों, जो अब ना क्या बोलूँ, हंसने की बात नहीं है, बुरा लग रहा है पर क्या करें, कोशिश कर रहे हैं हंसने की। मैंने जब देखा ना उनके घर में शूटिंग हो रही है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, दोस्तों उनके घर में शूटिंग हो रही है। और उनकी जो सासू माँ या माँ है, मालती कह लीजिए, तो वो मरने की शूटिंग कर रही है। तो कई चीज़ें देखी, फिर मैंने उनका चैनल खोला। चैनल खोलने के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आई, देखने को मिली। तो जब मैंने देखा कि उसकी माँ मरने का नाटक कर रही है, ड्रामा मतलब सारा ड्रामा इसलिए निकल गया दोस्तों कि वो शूटिंग कर रहे थे, ठीक है मेन बात। तो उसमें मरने की कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कर रही थी। तो जब मैंने देखा कि ये मरने की एक्टिंग कर रही है मतलब शूटिंग चल रही है, तो मुझे याद आया कि इसी जगह रियल में एक दिन मालती पड़ी हुई थी, मतलब सच में पड़ी हुई थी। और वो मतलब शूटिंग कर रही है मरने की और लोग रो रहे हैं। तो इतनी तकलीफ हुई ना उस टाइम जब मालती पड़ी थी किसी की आंख में, वहाँ लोग खड़े थे बहुत से, सब वीडियो बनाने पे लगे थे, किसी की आंख में आंसू मैंने नहीं देखा। सही बता रही हूँ दोस्तों, मुझे नहीं उस टाइम दिखा, लेकिन जब शूटिंग चल रही है वहाँ जो आसपास लोग बैठे हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना पसंद करती ना, मैं जानती हूँ किसी को फालतू। तो जब वो रो रहे थे ना, तो एक यहाँ जो होता है ना बड़ा दर्द हुआ कि देख मतलब एक इंसान शूटिंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है तो कैसे रो रहे हैं। एक हकीकत में इंसान उस घर में मरा पड़ा था, उसका खुद का घर खुद उसने बनाया है। और तब लोगों को तकलीफ नहीं हुई ना, उस टाइम लोगों ने कैमरे ताने हुए थे कि हाँ हमारे व्यूज जा जाए, ये वो पति है अब लोगों को जो वीडियो बनाते हैं। मैं कहूँ तो नहीं किसी को बोली, लेकिन मेरे दिल ने मुझे आज कहा तो मैं इस चीज़ पे दोस्तों वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ अपना। लेकिन जब मालती भी दुनिया छोड़ के चले गई तब भी मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ बोलना या कुछ भी करना पसंद नहीं करती। जब तक मेरा दिल मुझे ना कहे तब तक मैं नहीं करती, मुझे ना मैं किसी के कहने से कुछ करती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, और तब भी नहीं करती मैं। और कल की वीडियो शायद जाएगी, गुरप्रिया भोजी पे भी वीडियो जाएगी, और सुनिएगा जरूर कि उसके बारे में मैं क्या बोलने वाली हूँ और क्या कहने वाली हूँ। मैं अपनी खुद की राय आप लोगों को दूंगी। और खैर आज मालती के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इतनी तकलीफ हुई उसने मतलब उसके पति ने उसे मारा या उसके सास ससुर ने मारा या मतलब किसी ने भी मारा, यार कैसे भी मरी मालती कुछ भी, पर तकलीफ बहुत हुई। क्योंकि जब मैं युवराज को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, सही बता रही हूँ दिल से। एक बच्चे से उसकी माँ चली गई। एक बात कहूँ विष्णु, आज तुमने सही नहीं करा, अगर तुमने सही में अपनी पत्नी को मारा है तब भी सही नहीं करा, अगर दूसरे ने मतलब कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, सही बताऊँ तो। एक बच्चे से उसकी माँ चली गई,
पर एक बात ना कहना चाहती हूँ मैं अभी शुरुआत से, क्योंकि अब तो वो जेल में है, सीधी सी बात है, वो वीडियो कहाँ शायद किसी के देखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि दोस्तों विष्णु राज ने अपने बच्चे की ज़िंदगी वैसी कर दी जैसी उसकी खुद की ज़िंदगी थी। वो खुद शायद अपने घर नहीं रहता था, अपने मामा मामी के पास कुछ ऐसी मतलब शायद रहता है, मुझे ऐसा लगता है, और उसने अपने बेटे की ज़िंदगी वैसी कर दी। हर औरत में, हर आदमी औरत में लड़ाई बसती, ऐसा कोई नहीं है भाई जिसमें नहीं बसती, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी दोस्तों बहुत बुरा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमें भी चाहते हैं हमारे घर के, हम कब घर छोड़ के चले जाएं, कब ये वो, पति है हमको, सबके साथ ही होता है। पर मैं अपने बारे में क्या ही बताऊँ, सब दुखी हैं आज की दुनिया में, सब परेशान है। और मैंने उस चीज़ को बहुत महसूस किया कि लोग बेड सजा के मालती ने खुद अपने पैसे से घर बनाया, और उसे अंतिम संस्कार में भी उसके पति का साथ नहीं मिला जिसके लिए उसने किया। लोग उसे बोलते थे कि पागल है, वो ऐसे करती है, मतलब बहुत बहुत, आप समझिएगा सारे से, बहुत बहुत बातें से लोगों ने बोली, और तब भी मानती, वीडियो बनाती रही, और चाहे वो कैसी भी थी वीडियो बनाती थी अपने। मुझे ऐसा लगता है कि मालती के अंदर बचपना दोस्त बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है अपनी एक्सपीरियंस से, अपने दुखों से, कि उसके बचपने का, उसके छोर मत जैसे बोलते हैं ना सियाने बोलते हैं, उसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। और क्योंकि जब उसकी शादी दिखाई जा रही थी ना, वो क्या अर्जुन से, उस टाइम भी वो खुश थी, हंस रही थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि जैसे एक्टिंग कर रहे हैं ना, जैसे उसकी माँ मरने की एक्टिंग कर रही है, शूटिंग चल रही है और लोग बैठ के रो रहे हैं। तो बड़ी तकलीफ हुई कि जिसका घर बनाया हुआ है वो घर छोड़ के चले गया, जिसका घर है वो बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जो पति है वो जेल के अंदर पड़ा है, और लोग अपना इंटरटेनमेंट उस घर के अंदर कर रहे हैं। मतलब बड़ी तकलीफ़ हुई, देखे सही बता रही हूँ दोस्तों, इतनी तकलीफ हुई। पता नहीं ये लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, पर मैं अपनी राय दे रही हूँ। मुझे इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा कि थोड़ा थोड़ा करके उसने घर बनाया, फिर कितनी चीज़ें बनाई, सब कुछ वो छोड़ के चली गई। क्या यही ज़िंदगी है? और मैं आप लोगों से दोस्तों एक ही बात कहना चाहती हूँ, जिसके आसपास के लोग थे ना, उन्हें भी उसके मरने से शायद तकलीफ नहीं हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैंने देखा भी सबके वीडियो में, उस टाइम भी देखा था मैंने, पर मैंने फिर भी नहीं बोला कि हमने मतलब क्या लेना। पर सही में यार, जो घर उन्हें अपनी हाथों से बनाया, जिसके लिए इतना संघर्ष मतलब मालती ने किया, हर एक औरत का सपना होता है, हमारा भी है कि हमारा एक बड़ा सा घर हो, या हमारा घर हो, या हम भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छी, सब ही शायद दोस्तों ये चीज़ महसूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब महसूस करते हैं। तो जब वो सुख उसकी ज़िंदगी में आया तो दुनिया को रास नहीं आया, चाहे उसके पति हो, चाहे जो उसके चमचे आसपास उसके फिरते थे, जो वीडियो के चक्कर में भाभी 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 बोलते थे, चाहे वो हो। और मैं तो ना सही में ऑन कैमरा दोस्तों बोल रही हूँ, बड़ी तकलीफ़ तो होती है मुझे युवराज को भी देख के, और उसी को देख के मैंने फिर मैंने देखा कि देखें उसके चैनल पे अब वीडियो पड़ रही, नहीं पड़ रही, साथ महादेव जिसके चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, और देखा शॉर्ट वीडियो मतलब उसके चैनल पे भी विष्णुराज के, तो उसके घर की वीडियो देखने को मिल रही हैं। तो बड़ी अजीब सा फील हुआ मुझे कि जिनका घर वो पता नहीं कहाँ बेचारे, और जिनका कुछ भी नहीं है वो वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, बेड को सजा के शूटिंग चल रही है, बड़े मज़े। मालती भी बेचारी ऊपर बैठी देख रही होगी। पर एक चीज़ दोस्तों मैंने सीखी है, एक चीज़ थे कि बचपन में भी, आजकल बचपना भी मतलब आजकल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, नहीं है, क्योंकि दुश्मनों की कमी नहीं होती। तो आप लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, अपनी आंखें खुली रखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सही में। चाहे हमें आंख बंद करके विश्वास करा, वही धोखा मिलता है।
क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में, क्या ही कहूं, मतलब वीडियो भी बहुत बड़ी होती जा रही है दोस्तों, और बातें इतनी हैं दिल के अंदर कि क्या क्या मैं कहूं, क्या बोलूं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, और क्या मैं जो बोल रही हूं वो सही है या गलत है तो अपनी कमेंट में राय भी जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि जिनका घर है वो जेल के अंदर पड़ा है ना, छोटा सा बच्चा माँ के प्यार के बगैर तरस रहा है, क्या उसे अपनी माँ सगी मिल पाएगी। एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, दोबारा ज़िंदगी जीने वाली बात होती है दोस्तों, पता नहीं वो मरेगी या बचेगी, वो तो रब ही जानता है। पर बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ ना बहुत ही बुरा, उसे अपनी माँ कभी नहीं मिलेगी। विष्णु राज को पत्नी मिल सकती है लेकिन बच्चे को माँ कभी नहीं मिलेगी, ये आप लोग भी जानते हैं। और आज मतलब ये तकलीफ तब भी हुई मुझे, आज मेरे खुद के गांव में एक औरत फांसी लेके मर गई दोस्तों, हमारे गांव के अंदर। और यहाँ बहुत सी चीज़ें सुनने को आ रही हैं, क्योंकि औरतें दुखी होगी, यही काम कर रही हैं ज़्यादातर, कोई बस क्या ही बोलूँ। तो उस चीज़ को देख के फिर मालती की वीडियो आ गई, मतलब दिमाग इतना ख़राब हो गया कि एक औरत के ही साथ ऐसा क्यों होता है। मालती ने भी विष्णुराज को आगे बढ़ाया, मालती ने ही इतना कुछ किया, और फिर मालती ही इस दुनिया को, उसे लास्ट में अपने पति का कुछ भी नसीब नहीं हुआ, पैसा कितना कुछ कमाया फिर भी उसकी लाश को एक बस के ऊपर बैठा के लेके गए, ये क्या जिंदगी। और आज जो औरत मतलब हमारे गांव के अंदर मरी है, पूरी हुई है, उसने भी दोस्तों फांसी ले ली अपने आप को, उससे उसकी भी छोटी सी बेटी है, एक ही बेटी है, और क्या ही बोलूं, मतलब अंदर से इतनी तकलीफ हो रही है कि एक औरतों के साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि कई बार हम सह नहीं पाते घर में अपने घर की परेशानियों से भी, जो आत्महत्या औरतें कर रही हैं बहुत परेशान हो जाती हैं। और बस आज की वीडियो में दोस्तों इतने, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, प्लीज़ बस बाय बाय दोस्तों।